स्टार्ट कर रहे हैं ये बात और भी प्रॉब्लम है ना बस तू ये आवाज थोड़ी सुन जा चलो बेटा स्टडी स्टार्ट करें। क्या पढ़ रहे थे एक नजर रिवाइज करो। बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स का बाजार है बेटा कल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन तो नहीं किसी का? कल से रिलेटेड कोई सवाल तो नहीं सर? एक नजर रिवाइज कर लेना जरा, क्या क्या पढ़ा था बिल्कुल खत्म हो रहे प्लीज डिस्प्ले खोल के देखें क्या पढ़ रहे थे। क्वेश्चन सुनने थे बड़ा प्लीज नहीं तो जरूरी नहीं कि परचेज करें, हो सकता है किसी से बिजनेसेस में वैसे अक्सर परचेज करना पड़ता है, लेकिन नॉर्मल लाइफ में इनहेरिटेंस से भी आ सकता है, गिफ्ट से भी आ सकता है, लेकिन बिजनेसेस में शायद परचेज करना पड़ेगा। हाँ ये हो सकता है कि ओनर जो है कोई कैश की बजाय अपना कोई पर्सनल एसेट बिजनेस को दे दे। फॉर एग्जाम्पल ओनर के पास कोई बिल्डिंग है, लेकिन उसी बिल्डिंग को ओनर एज एन इन्वेस्टमेंट एज ए कैपिटल बिजनेस को दे दे, वो हो सकता है, इंशाल्लाह बातें करें। लेकिन नॉर्मली बिजनेसेस में एसेट्स आएंगे, देखो बिजनेस है क्या, प्रॉफिट्स या लॉसेस के लिए, तो प्रॉफिट या लॉस के लिए है तो एसेट कोई चैरिटी या कोई गिफ्ट्स वाली बात बिजनेसेस में नहीं होगी, लेकिन अगर रियल लाइफ में अदरवाइज देखें तो गिफ्ट्स भी हो सकते हैं, इनहेरिटेंस से भी चीजें आ सकती हैं, ठीक है। तो पर्सनल लेवल पर तो ये हो सकता है, लेकिन बिजनेसेस में या तो ओनर इन्वेस्ट करेगा या बिजनेस फिर अपने पैसों से खरीदेगा, ठीक है। कोई और क्वेश्चन किसी का? ये मेरी आवाज ठीक है? लास्ट लाइन ये किसी का और क्वेश्चन हो मैं करवा रहा हूँ। ये परचेजेस समझ आ गई, तो कल परचेजेस की बात हो रही कर दो, मेरी आवाज जरा ऊंची होनी चाहिए आप लोग दोबारा बार बार ये चीजें देखें, टिप्स होनी चाहिए, चीजें खरीदने से गुड्स बढ़ जाएंगे, कैश पे खरीदेंगे तो फिर कैश कम हो जाएगा, लेकिन अगर क्रेडिट पे खरीदेंगे पैसे उसमें नहीं जाएंगे, पैसे बाद में रहेंगे, तो पैसे बाद में जाने की वजह से चीजें खरीद लेने से क्रेडिट तो कोई बढ़ जाएगी, और जिस पर्सन को पैसे देने हो जाएंगे वो फिर क्रेडिटर हो, ठीक है सर।
और फाइनली जब पेमेंट करेंगे तो 10th मार्च देखेगा लास्ट, जब पेमेंट हो गए तो ऑफर कम हो जाएगा। आने दें सर, अभी तो 30 दिन, इंशाल्लाह जो कुछ आप सोच रहे हैं सब कुछ आ रहा है, लेकिन ऐसा ऐसा अगर वो भी होगा तो होगा, लेकिन पहले एक बार ऐसी सब मिलती जुलती चीज़ रहा, सेल्स ट्रांजेक्शन फाइनल कर हेडिंग तो लिख सकते हैं। तरह की सेल ट्रांजेक्शन भी दो तरह की हो जाएंगी, कैश सेल भी और क्रेडिट सेल। लेकिन डेफिनेटली आपके जेल में बहुत से क्वेश्चंस होंगे, लेकिन उन क्वेश्चंस को अगर हम एक सीक्वेंस में एड्रेस करें तो हमारे लिए बेहतर रहेगा। आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह चलेंगे तो एक तरतीब बन जाएगी जो, तो इंशाल्लाह आपके जेल में जो जो क्वेश्चन आ रहे हैं आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, उन सबके क्वेश्चन आ रहे हैं और सर उन सबके आंसर भी साथ साथ आ रहे हैं। जो चीजें मैं अगर कह दूं कि आ रही हैं तो इंशाल्लाह कोई ऐसी बात नहीं, ये सब हेडिंग पर आ गए इन दो के नीचे कैश से। जब भी कोई डिसीजन हमें लेना है कि बिजनेस पे क्या इफेक्ट होगा तो हमेशा अपने बिजनेस के एंगल से सोचना। तो कैश सेल्स के लिए एक एग्जांपल लिखा हुआ, बिजनेस सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 75,000 फॉर रुपीज 81,000 ऑन कैश। लेट्स अज्यूम हमारे बिजनेस ने 75,000 वाली गुड्स 81,000 पे कैश पे बेचने, लेकिन क्या चीजें कॉस्ट पे बेची जाती हैं या सेल प्राइस पे? खरीदी किस पे जाती है और बेची किस पे जाती है? क्या फर्क है कॉस्ट और सेल प्राइस? सेल प्राइस कैसे बनाई जा सकती है? एक आगे आ सकते हैं बस, आगे आगे आ रहे, एक तो आ रहे, एक सिर्फ चेयर खाली है। सेल प्राइस पर बनाने का तरीका क्या होता है कि जिस प्राइस पर अपनी चीज खरीदी होगी दैट इज कॉस्ट, उसमें फिर क्या ऐड हो जाएगा, 100 रुपए की चीज है और 20 रुपए प्रॉफिट कमाना चाह रहे हैं तो सेल प्राइस कितनी हो रही है? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्राइस। तो कितने वाली चीजें कितने की बेच रहे हैं? इसमें कितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट रख के बेच रहे हैं? 6,000 प्रॉफिट। अब अगर इसका एनालिसिस करें कि हमारे बिजनेस में इस ट्रांजेक्शन से कम होगी तो वो कौन सी चीज है? सबसे पहले ये बताएं कैश अभी नहीं लिखना आपने, सिर्फ सोचना है कितना बढ़ेगा, कितने से कैश बढ़ेगा? अगर यही सवाल मैं 10 बार भी पूछूं तो इसका यही जवाब है, कितने से कैश बढ़ेगा? कितने से बढ़ेगा? कैश बढ़ेगा, चलता है इधर। अच्छा, कैश का बढ़ना मेन हेड से मिला है 5, एसेट बढ़ रहा, एसेट बढ़ रहा, कैश वाला एसेट बढ़ रहा। क्या हमारे बिजनेस से गुड्स भी कम हो रहे हैं? गुड्स के निकल गए मैं बता रहा हूं, परचेजेस मींस गुड्स
कितने सेल कम हो रही है। जब आप सेल करेंगे तो विजुलाइज करें, आप सेल कर रहे हैं, चीजें बढ़ जाएंगी कम हो जाएंगी, कम हो जाएंगे, कितने से कम हो जाएंगे, 81,000 से यार। जब ये चीजें हमारे पास पड़ी थी कितने की थी, अब 75,000 से वो कम हो जाएंगे। ठीक है, तो कैश सेल प्राइस से बढ़ेगा और गुड्स कॉस्ट प्राइस से कम होंगे। एनी कंफ्यूजन यहां पर? देन तारीख की बीच बहुत शामिल कर रहा, क्या इस ट्रांजैक्शन से कोई बिजनेस की इनकम पे भी इफेक्ट हुआ? क्या हमारी इस ट्रांजैक्शन से कोई बिजनेस की सेल इनकम में भी इफेक्ट हुआ? क्या ये कैश हमने कमाया? क्या ये पैसे हमारी इनकम है या लायबिलिटी है? इनकम हमने कमाए, तो क्या एसेट और इनकम है? कुछ इनकम मैंने करा था हेड, तो कैश कितने से बढ़ रहा है? अब जरा एक सेकंड दोबारा सोच लें, क्या सेल इनकम पे भी कोई इफेक्ट हो रहा है? देख सकते हो पहली सेल ट्रांजेक्शन, इस ट्रांजेक्शन से पहले हमारी सेल इनकम कितनी है? नहीं है, जीरो। और आफ्टर दिस सेल ट्रांजेक्शन आप तो रिकॉर्ड्स में कुछ लिखना नहीं है, साफ सेल इनकम हमारी 81,000 हो गई है, 81,000 हो गई, 75,000 हो गई। तो कैश क्या चीज है सर? ये तो एसेट बढ़ रहा है, कैश वाला एसेट बढ़ रहा है, और साइमल्टेनियस ये कैश लेने से हमारी सेल इनकम भी बढ़ रही है। बढ़ी कम हो रही, कितने से बढ़ रही? कैश भी बढ़ रहा और कैश क्योंकि कमाया है इसलिए इनकम भी बढ़ रही है। हाँ, इस इनकम को कमाने के लिए हमें अपनी गुड्स देनी पड़ी है, और कितने वाली गुड्स देनी पड़ी है? तो कॉस्ट से गुड्स कम हो रही और सेल प्राइस से कैश और इनकम इंक्रीज हो। तो पहले जो तो दो हेड्स मैंने लिखे हैं, किस प्राइस से बढ़ रहे? सेल प्राइस से, और गुड्स कितने से कम हो रही है? कॉस्ट प्राइस से। नहीं बात बन रही, कंफ्यूजन यहां पर? आप लिखें जी, बट ऑनलाइन स्टोर्स क्लियर, पार्टिसिपेशन रखा गया ऑनलाइन स्टोर्स। जी सर, खामोशी की वजह तो बड़ा खासा वो तो नहीं डालने सर। अजी ओके सर, जब भी कैश पे चीजें बेचेंगे ऐसे ही होगा? तो सर ऐसे ही होगा सर, क्या होगा? एक एक करके तीन चीजें करवानी हमने, क्या क्या होगा? अगर ये चीजें आपको पता चल जाती हैं तो यहाँ से आप ये भी बता सकते हैं कि प्रॉफिट कितना हो रहा है, कितना हो रहा है? क्रेडिट सेल, इधर एक बार कनेक्ट करा देख, पासवर्ड तो सारे खत्म करोगे।
सॉरी जी, बस एक मिनट, इसको खुला के इसको किस पे खुला के बस हो गया। चल तो प्लान लेकिन देख लेना फिर दोबारा मसला है। कहीं गाइड सही करेंगे सर, कहीं ये ऑनलाइन स्टूडेंट का बवास ठीक है, प्लीज कंडीट कर पाएंगे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज एक दफा बता दें, फाइनली आवाज का मसला तो नहीं है। उनके तौर पर रखते हैं बिजनेस, सो वर्ड्स कॉस्टिंग रुपीज 80,000 फॉर रुपीज $84,000 on credit to Zeeshan, okay, Zeeshan ka naam bata raha, to Asad, business sold goods costing ₹80,000 for ₹84,000 on credit to Asad, ek date zara saath likhna, on 1st February 2022. It is agreed with us, sir. That amount will be received on 8th February 2022. जो लोग लिख रहे हैं कल एक दफा पढ़ के ट्रांसलेशन करें इसके अपने जहन में। ऑनलाइन शॉर्ट से लिखी $80,000 वाली गुड्स कितने की बेची हैं, लेकिन क्रेडिट पे बेची हैं, उधार में बेचने का मिनिमम ये हो जाएगा कि आप गुड्स पहले जाएंगी, 1st February पे गुड्स चली जाएंगी, लेकिन आप कैश कब आएगा, आप फरवरी को इंशाल्लाह कैश आएगा, कैश हमें मिलना है या हमने कैश देना है, हमने आप चीजें दी है और असल से हमें पैसे रिसीव होने हैं, लेकिन अगर चीजें पहले जाए पैसे बाद में तो ये कौन सी सेल होती है, क्रेडिट सेल। कैश सेल में क्या होता है, आपने चीजें दी और पैसे पकड़ लिए, लेकिन क्रेडिट सेल में चीजें पहले जा रही हैं और पैसे बाद में आए। अब इस ट्रांजेक्शन में कहीं जरा डेट वाइज उसी तरह डिस्कस करते हैं जिस तरह कल हमने क्रेडिट परचेजेस को डिस्कस किया था। तो फर्स्ट रेलिवेंट डेट देखें 1st February 2022।
और फुल कंसंट्रेट करना, प्लीज आप कंसंट्रेशन का लैप सपोर्ट नहीं कर सकते। एक बात हो रही है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बस ये डेट लिख कर रुकेगा। और अपने सामने पहली बार जो कैश सेल वाली भी डिस्कशन हुई थोड़ी देर पहले, आपने वो देखनी है और मैं उसकी बेस पर अभी क्रेडिट सेल बताता हूँ। जी सर, सबसे पहले बताएं इस डेट पे कैश बढ़ जाएगा, कैश तो आएगा, कैश तो बाद में आना, इस डेट पे तो आएगा ही, गुड जा रहे हैं। हमने अब अपने बेटा एंगल से सोच रहे हैं इसके पास गुड जाएंगे, पैसे भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, शाप बेटा अपनी जगह, बिजनेस अपनी जगह। बेटा क्या देखे क्या आना है, चीजें जानी है, ऐसे इंशाल्लाह आने ठीक है, बाद में आना, क्या चीज चली जानी है, ये फर्स्ट फरवरी क्या गुड्स चले जाएंगे, इसे कितने की जो हमने बेची है वो हमारे पास पड़ी कितने की होगी, फोर किया वो सेल प्राइस पे कब जाती है, जब बेचते हैं तो जब हमारे पास पड़ी होंगी तो हमारे पास कितने की पड़ी होंगी, 40,000 की। आई यकीन इसके अगेंस्ट पैसे कितने लेने हैं, गुड्स कितने वाली हम पकड़ा देंगे, 84 वाली हमारे से तो 80 वाले जाएंगे, और इन रिटर्न उसके अगेंस्ट हमें 84 मिल रहे हैं, देर फॉर ही तो हमारा प्रॉफिट है, क्या गुड्स ही 84 वाली दे रहे हैं, कितने वाली कितने की दे रहे हैं, प्लीज गुड्स कितने से कम होंगी, सब क्लियर है, प्लीज मत लिखिएगा अभी, आराम से बात समझने वाली है। गुड्स मीन्स परचेजेस, बढ़ेंगी या कम होगी, कितने से, 80,000 मीन्स कॉस्ट से या सेल प्राइस से, कॉस्ट प्राइस से, अपने वाला कैश सेल वाला देखें, क्या इस हेड में सिमिलरिटी, क्या गुड्स बेचेंगे तो हमारे से कॉस्ट पे ही रहेंगे, हमारे से कॉस्ट वाली ही कम होगी, है ना, कोई कंफ्यूजन, साथ साथ बताना प्लीज अगर एनी क्वेश्चन, देन दोबारा देखते हैं एग्जांपल, कैश तो बेटा डेफिनेटली अभी नहीं बढ़ेगा, लेकिन क्या चीजें दे देने से और पैसे ना मिलने से कोई असर से हमारा रिसीवेबल तो नहीं बन जाए, मैं रिपीट करूंगा सेंटेंस पर आपने भी एक दो बार बोलना, चीजें दे देने से लेकिन पैसे ना मिलने से कोई असर से हमारा रिसीवेबल तो नहीं हो जाएगा, किस दिन रिसीवेबल हो जाएगा, जब चीजें दे रहे हैं, चीजें दे रहे हैं और पैसे नहीं मिल रहे, तो चीजें पकड़ा देने से और पैसे ना मिलने से हमारा कोई राइट तो रिसीव हो जाएगा, लाइबिलिटी तो पे हो जाएगी हमारा, बेटा हम कौन है इस वक्त, बिजनेस हमने चीजें बेची हैं, डेफिनेटली किसकी लाइबिलिटी होगी, उसकी तरफ नहीं जाना, वो बाद में लगा सोच लेंगे, उसकी तरफ हमारा असल से पे रिसीवेबल बनना है या कोई पे बनाना है, तो रिसीवेबल मीन्स किसी एसेट की बात हो रही है, लाइबिलिटी की बात हो रही है, रिसीवेबल इससे रिसीवेबल, तो जिसको पैसे देने अगर आप क्रेडिट परचेज नहीं करना, क्रेडिट परचेज वाली डिस्कशन कर लो, किसी फुल कंसंट्रेशन की गेम है सर, अगर क्रेडिट परचेज करें और पैसे ना दिए तो फिर उस पर्सन का नाम कल क्या रखा था, क्रेडिट इज एन एग्जांपल ऑफ अ लायबिलिटी, और बिल्कुल उसी को आप जो है ऑपोजिट करने लगा, अगर किसी पर्सन को चीजें बेची हो और पैसे भी आपने ना लिए हो तो उस पर्सन के अकाउंटिंग में एक नाम दिया जाता है डेटर, डेटर, आप इससे अगले तीन लाइनें छोड़ दें, जब भी मैंने आपको लिखना छोड़ा था आपको, आपको कहा था लिखेगा नहीं डेट के बाद, तीन लाइनें गिन के छोड़ दें, एक सेंटेंस पहले लिखें, द पर्सन फ्रॉम होम अमाउंट एज
receivable against sale of goods the person from whom amount is receivable against sale of goods is called as कुछ अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजीज है जो आपके सामने मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। डेटर, इसमें बी साइलेंट है, तीन तो दफा बोलते डेटर, डेटर, मैंने बोला आप ही बोलते हैं ये मिक्सर में आएगा लेकिन टाइटली साइलेंट है। व्हाट इज द मीनिंग डेटर? ऐसे रिसीवेबल, आधार पे चीजें बेची हैं और पैसे भी लेने हैं तो जिस पर्सन से लेने हैं वो पर्सन डेटर कहलाए। तो डेटर इज एन एग्जांपल ऑफ अ एसेट और लायबिलिटी, ये भी लिखना पड़ेगा नेक्स्ट टाइम। डेटर इज एन एग्जांपल ऑफ एसेट और डेफिनेटली एक आसान से लफ्ज भी रहता है लिखने का साथ ही, जहां डेटर तो लिखा आपने, डेटर सिंपली मीन्स रिसीवेबल की बात हो, अमाउंट रिसीवेबल, अमाउंट रिसीवेबल। कल क्लास के एंड में मेरे सामने भाई ने कोई इंटरचेंजेबल वर्ड्स बोले थे, तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपको पहले से कोई आइडिया है इंटरचेंजेबली वर्ड्स का तो वो परेशान ना हो, इंशाल्लाह सारे आ जाएंगे। तो ये वो भी वर्ड है, वो भी है, अगर पहले कभी सुना सोचा हुआ है तो कन्फ्यूज नहीं होगा, इंशाल्लाह मैंने भी उधर आ ही जाना। ठीक, डेटर सिंपली मीन्स किस चीज की बात हो रही है, जिस पर्सन की बात हो रही है उससे अमाउंट रिसीवेबल हो गई। तो काइंडली अगर दोबारा डिसीजन ले, फर्स्ट फरवरी पे चीजें चली गई है कंफर्म, कितने की गई है ये भी फाइनल करें, 80,000 वाली गई है, लेकिन क्या ये चीजें देने से असद हमारा डेटर बन गया है? Yes, अभी बन गया है, 10 को 8 को बनेगा, ये रिसीवेबल हो कब गया? रिसीवेबल हो कब गया? फर्स्ट को ये रिसीव होगा कब? तब तक ये रिसीवेबल स्टैंड करेगा, 8 तारीख को अगर पैसे मिल जाए तो फिर ये रिसीवेबल नजर तो आता होगा, फिर आवाज भी आ रही है ना, तो ज्यादा अच्छा लग रहा है, चले मरहल नहीं नजर आ रहा है, अच्छा लग रहा है सर, आप एकदम समोसी हो गया मान के चलने मेरे साथ, यही सर भी रिसीव नहीं मेरी जगह, मतलब चले भी नजर आ रहा था। फर्स्ट फरवरी वाले दिन चीजें देने से पैसे रिसीवेबल हो गए हैं सर, पैसे रिसीवेबल कब तक रहते हैं? मतलब जब तक पैसे मिल जाए, अगर पैसे मिल जाएंगे 8 को इंशाल्लाह तो देन फिर ये रिसीवेबल खत्म हो जाएगा। तो फर्स्ट फरवरी पे रिसीवेबल इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? कितने से इंक्रीज हो रहा है? तो नेक्स्ट लाइन देख लीजिए, तो फर्स्ट फरवरी में मेरा एक दूसरा इफेक्ट ये हो रहा है कि हमारे रिकॉर्ड्स में ये लिखा होना चाहिए फर्स्ट फरवरी वाले दिन कि डेटर असद से हमारा रिसीवेबल, डेटर असद से हमारा रिसीवेबल 10,000 रुपीज, सॉरी 84,000 रुपीज से इंक्रीज हो गया, इंक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया। डेटर असद से फर्स्ट फरवरी वाले दिन चीजें बेच के सेल प्राइस के एंगल से अमाउंट रिसीवेबल हो गई है या कॉस्ट प्राइस के एंगल से? कुछ क्लैरिटी है? तो ये दो आप लिखे अमाउंट आप, लेकिन दरमियान में एक लाइन छोड़नी है, पर कोई कंफ्यूजन हो इन दो चीजों में प्लीज पहले। ये क्लियर है, ये एसेट है या लाइबिलिटी है? लाइबिलिटी क्या होती है अपने लफ्जों में? कोई इंग्लिश की जरूरत नहीं खास, अभी तक आपको क्या पता चला? ऐसी जिम्मेदारी जिसको कैश में सेटल कर, हमने पैसे दे के अपनी जिम्मेदारी अदा करनी है,
तो लाइब्रेरी है, तो क्या बेटा पैसे हमने देने हैं या आपने लेने हैं? ये तो हमारा राइट टू रिसीव है, राइट टू रिसीव मीन्स रिसीवेबल है, ये एसेट्स की लिस्ट में होना चाहिए ये लाइब्रेरीज की। अगर पैसे किसी के पेबल है, किसी को हमने देने हैं, तो वो हमारा लाइब्रेरीज की हेडिंग में फिगर आनी चाहिए। और अगर हमने पैसे रिसीव करने हैं तो राइट टू रिसीव हमारा एसेट। नहीं, डेबिटर तो पहले बोलना ही नहीं है, जरा तीन दफा बोलते हैं बगैर भेजे। अब हमने चीजें बेच दी हैं, यहाँ तक ये बात क्लियर? तो चीजें बेच देने से लेकिन पैसे ना मिलने से क्या असद की तरफ हमारा रिसीवेबल हो गया है? तो असद की तरफ रिसीवेबल का मतलब डेटर असद से रिसीवेबल बढ़ गया, तो ये मैंने लिखा। डेटर अगर लिखा तो मीन्स रिसीवेबल, और असद मीन्स रिसीवेबल फ्रॉम असद, और इंक्रीज मीन्स कि आपको पैसे हमने उससे लेने हैं। लेट्स अज्यूम ये पहली सेल है असद को, इस सेल से पहले फिर असद से हमने कोई पैसे नहीं लेने होंगे, लेकिन आफ्टर दिस सेल अब हमारा असद से रिसीवेबल जीरो से बढ़ के 84,000 हो गया। और जब असद पैसे देगा तो फिर हमारा उससे रिसीवेबल कम हो जाएगा, तो फिलहाल बढ़ क्यों गया? जरा बाप बोला प्लीज, इस बार मेरे ख्याल याद हो गया। हाँ जी, पैसे नहीं दिए, चीजें दी हैं, पैसे नहीं लिए, वो बाद में लेने, तो जब तक वो नहीं देगा हमारा उससे रिसीवेबल है। क्या ऐसे पर्सन्स को जिन्हें जिन्हें आपने चीजें बेच दी हैं और उन्होंने पैसे नहीं दिए, उन्हें याद रखना चाहिए? नहीं, हमें उन्हें याद रखना चाहिए, और लिखा होना चाहिए ना कितना रिसीवेबल, और कब तक लिखा रहना चाहिए? जब तक मिलने गए, अगर वो दे दे तो देन ठीक है, उसके बाद शायद जरूरत नहीं। दोबारा कैश सेल देखनी है, कैश सेल वाले अरेंज देखें। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि स्लो स्लो आराम आराम से चलूं, और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आपकी अगर कोई क्वेश्चन हो तो साथ साथ मैं पूछ के खत्म भी करें। मेरा ख्याल तो है स्लो तेज चल लग रहा है या स्लो लग रहा है? स्लो भी है, स्लो तो मैं जानती हूँ, लेकिन अगर स्टिल महसूस हो रहा है बहुत तेज से जा रहा हूँ तो मैं बता रहा और ऐसा ऐसा चल रहा है, एनी कंफ्यूज मारा ठीक है। बात करें तो मैं कैश सेल के अगर एरोस सामने रखता हूँ, यहाँ तक कोई डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज? पहली तो सिमिलैरिटी थी, चीजें तो कम हो गई, चीजें बेचने से चीजें तो कम होनी ही है। इस सिमिलैरिटी क्या है? कैश बढ़ने की बजाय नहीं, कम नहीं होगा, कम वाली बात लग रही है, चीजें बेच के पैसे कम ही होने हैं, तो ऐसी सेल को रहने दें, पैसे इंशाल्लाह आने हैं, कम नहीं हुए, एज इट इज रहे। जितने भी हमारे पास कैश पड़ा होगा उस पर कोई चेंज नहीं आया इस ट्रांजेक्शन से, ना उसमें इजाफा, और अल्हम्दुलिल्लाह सेल की वजह से पैसों में कमी अगर होनी है तो ऐसी सेल को तो फिर रहने दें, तो आने पैसे ही, लेकिन अभी आए नहीं। आपके पास क्या लिखा हुआ है कैश सेल में? कि कैश इंक्रीज हुआ, और उसकी जगह बोर्ड पे क्या लिखा लग रहा है? कि कैश नहीं आया और देयरफॉर रिसीवेबल बढ़ गया। तो कैश सेल में क्या होता है? फॉरेन कैश बढ़ जाता है, लेकिन क्रेडिट सेल में क्या होगा? पैसे ना मिलने की वजह से रिसीवेबल में इंक्रीज आता है। अब आपसे लास्ट क्वेश्चन बताएं कि इस ट्रांजेक्शन में क्रेडिट पे चीजें बेचने से हमारी सेल इनकम बढ़ गई, कैश सेल देखें, कैश सेल क्या कैश सेल कैश से पे चीजें बेचने से सेल इनकम बढ़ गई थी, और क्या क्रेडिट पे चीजें बेचने से सेल इनकम हो गई है? क्या सेल हो गई है सर? अगर आपके सामने प्लीज प्लीज तीन चार बार लफ्ज बोलने उनका सही मीनिंग बता रहा, अगर आपके सामने लफ्ज बोला गया कैश, तो क्या चीज के कौन सा हेड जेन में आता है? एसेट, एसेट। आपके सामने फिर बोला गया क्रेडिटर, डेटर, एसेट। मेरा सवाल ये है कि क्या सेल होगी? अब सेल से मेरी बुरा क्या है? सेल से आपके जहन में कोई एसेट आ रहा है वर्ड या इनकम आ रही? सेल हो गई, सेल हो गई। क्या कैश आ गया? तो कैश नहीं आया, एसेट नहीं आया,
क्या सेल हो गई है? अजीब सेल है यार। क्या आपके पास कैश सेल में सेल होगी? सही हो गई है सर, देखिए ऐसे नहीं है। क्या चीजें कैश पे बेचने से सेल हो गई है? कैश देख के बता रहे हैं, सेल देख के बता रहे हैं सर? बेटा देख के बताना है, हम तो देख ही नहीं रहे। इस तरह ना करने की जगह प्लीज, अगर आपको कुछ थोड़ा समझ आ रहा है, लग रहा है वैसे आ रहा हो, तो ये सफिशियंट नहीं है। फुल कंसंट्रेट आगे लगे उधर देखें, उधर देखें तो प्लीज देखें। आपके सामने से कौन से एरोज नजर आ रहे हैं आपको? कैश सेल वाले दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, कैश सेल वाले एरोज देख रहे हैं आपने तो, अदरवाइज देख रहे हो बोर्ड पे। तो कैश सेल में सेल हो गई है, किस साइड को देख के आपने बताया? कैश सेल में कैश आ गया मीन्स एसेट आ गया, कैश को देख रहे हैं। क्या कैश सेल में सेल हो गई है? आपने सेल इनकम वाला एरो देखा, आप बोर्ड पे देखो। क्या कैश आ गया क्रेडिट सेल में? नहीं है। कैश की जगह एक और एसेट बढ़ गया, कैश की जगह एक और रिसीवेबल के नाम से एसेट बढ़ गया। अब अगला मेरा सवाल ये है कि क्या सेल हो गई है? क्या सेल चीजें देने से होती है या पैसे मिलने से होती है? अब हम इस तरह तो बातें हो रही है, जहां आपने ये एग्जाम की क्लास में लिखी थी, इसे आगे आता है। मैंने आपके सामने एक सवाल रखा है कि ये सेल जो है ये कब होती है, तो एक हेडिंग लिखा हुआ When sales are reported, सेल कब हो जाती है और देर पर उसे कब रिकॉर्ड किया जाता है? एक सवाल मेरे सामने है, अब इसका मैंने आंसर आपके सामने रखा, तो एक हेडिंग बना लेता थोड़ा सा लिखकर जी। बेटा एक सेकंड शेप साहब, मैं खुद से एक्सप्लेन करूंगा। When sales are recorded, पहले तो इस तरह कीजिएगा कि इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो जरा इंग्लिश में लिखा है, इसमें वर्ड्स कब आएंगे वो फिर मैं अभी वीडियो में समझाऊंगा, लेकिन एक प्रिंसिपल पहले लिखा। सेल्स आर रिकॉर्डेड व्हेन द रिस्क्स एंड रिवॉर्ड्स, परेशान हुए बगैर कैंडी वर्ड सीखते हैं। सेल्स आर रिकॉर्डेड व्हेन द रिस्क्स एंड रिवॉर्ड्स ऑफ गुड्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेलर टू बायर। Sales are reported when the risks and rewards of goods are transferred from seller to buyer. देखिए बेटा, अगर सेल होनी है बस लिखे ना सब नोट करिए। अगर लिख लिया तो बेटा बस लिखना छोड़ा। सेल अगर हो रही है तो एक तो सेलर होगा, सेलर कौन? बेचने वाला, और कोई एक बायर होगा। पहले एक सिंपल ट्रांसलेशन मेरी इस सेंटेंस की ये है कि सेल तब होती है जब गुड्स के रिस्क एंड रिवॉर्ड्स सेलर से बायर को ट्रांसफर होते हैं। क्वेश्चन अराइजेस, ये रिस्क और रिवॉर्ड्स क्या चीज है? गुड्स का मतलब पता, जो चीजें बेच रहे हैं, चीजें जो खरीदी थी ताकि बेच सके। तो जिस दिन गुड्स के रिस्क और रिवॉर्ड्स सेलर की बजाय बायर के हो जाएंगे, दैट इज अ डेट जब सेल रिकॉर्ड हो जानी चाहिए। अब रिस्क क्या चीज है? अर्निंग, मतलब यहां जो इस वक्त अकाउंटिंग पॉइंट से बात हो रही है, रिस्क मीन्स
चांस ऑफ लॉस, लॉस का खदशा, और रिवॉर्ड मींस नफा, नफा नुकसान से ना, तो लॉस मींस सॉरी रिस्क मींस नुकसान का खतरा, और रिवॉर्ड मींस चांस ऑफ प्रॉफिट। जिस दिन चीजों का नफा नुकसान, ये सही है, बस नफा नुकसान, रिस्क एंड अवॉर्ड्स, चांस ऑफ लॉस, चांस ऑफ प्रॉफिट, एक्सप्लेन करना था तो आसान से लफ्जों में लगता। जिस दिन चीजों का रिस्क रिवॉर्ड मींस नफा नुकसान सेलर की बजाय बायर को शिफ्ट हो जाएगा, बोलने जरा किसको किससे, तो उस दिन सेल हो जाएगा। पहला मैं इशारा उसे सेल हो जाएगी, लेकिन डेफिनेटली ये नई चीज है आप लोगों के लिए, तो एक एग्जांपल से जरा समझते हैं। रेडी, लेट्स से मेरा आपकी एक मोबाइल शॉप है, जरा जहनी तौर पर एक मोबाइल शॉप के ओनर बन गए। एक कस्टमर आपके शॉप में एंटर हुआ, उसने कोई मोबाइल पसंद किया, सपोज 25,000 रुपये का उससे मोबाइल पसंद आया, और मजाक कर रहे पहले अब टूट गया उठा के जेब में रखा, प्लीज ना करें ऐसे, छोड़ दें हरकत है, कंसंट्रेट करें। फॉर एग्जाम्पल, एक कस्टमर हमारी मोबाइल शॉप में एंटर हुआ और 25,000 रुपीज का उसने मोबाइल एक पसंद किया। आफ्टर ऑल दिस, जब मोबाइल पकड़ाने की और पैसे देने की बारी आई, तो लेट्स दिन उससे आपका निगोशिएट ये हुआ कि मोबाइल वो आज लेगा, और सपोज आपका पुराना कस्टमर है, ट्रस्ट वर्दी पर्सन है, पहले भी आपको उससे ताल्लुक है, और पैसे उसने कहा कि मैं आपको इंशाल्लाह कल दे दूँ। डेफिनेटली जब भी आप कभी चीजें उधार पे बेचेंगे तो ये कोई इस तरह से नहीं है कि जो भी आएगा आप उसे उधार पे दे देंगे, आप पहले गौर से उसे देखेंगे, और अगर वो साहब आपको मेरे जैसे नजर आए तो हर किसी डिसीजन में देंगे, और डेफिनेटली जब वो साहब आपको अपने जैसे ही महसूस हुए तो इंशाल्लाह आप जरूर ये डिसीजन लेंगे। मतलब मेरी इस बात का मतलब ये है कि आप पहले अच्छी तरह तसल्ली कर लेंगे कि पैसे दे बिका भी है, क्योंकि आप डेफिनेटली बिजनेस कर रहे हैं, पैसे आपने लेने हैं, तो ये नहीं, ऐसे नहीं होता। मैं कह तो रहा हूँ बार बार कि क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो रही है, तो ऐसे को रेंडमली हर एक पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, तो आप अच्छी तरह तसल्ली कर लेंगे। लेट्स अज्यूम आपको लग रहा है पर्सन ट्रस्टवर्दी है, पहले 20 से काम होता रहता है, तो इंशाल्लाह ये पैसे दे देगा। तो लेट्स अज्यूम ये 25,000 रुपीज का मोबाइल आपने उसे क्रेडिट पे सेल कर दिया। आप प्रैक्टिकली जरा सोचो होगा क्या, मोबाइल आप देंगे, पैसे दे देगा, पैसे उसने बाद में देने। अब मोबाइल लेकर मैं जा सकता है, इजाजत होगी उसको। लेट्स अज्यूम वो आपकी शॉप से बाहर निकला, और सपोज बी सेंटर में आपकी शॉप थी, अब वो जा रहा था, उस कस्टमर को फुल कंसंट्रेट, उस कस्टमर को कोई और साहब उसके पुराने को दोस्त नजर आया, उस पुराने दोस्त ने कहा यार ये मोबाइल कहाँ से लिया, मैं तो बड़े अरसे से तलाश हूँ इसकी। अचानक उस कस्टमर के जहन में भी पुराने दोस्त की मोहब्बत और जाग उठी, उसने कहा यार 30,000 का लिया है, अब तो दोस्त है 28 का ले ले यार, बाकी आप प्यार दे आप जानता है। वो बेचारा आपकी मोहब्बत में मारा गया, उससे आपने 28,000 लिया, उससे उस कस्टमर ने 28,000 लिया, समझ आ रही एग्जाम्पल, और मोबाइल मंगा दिया। क्या वो भागता हुआ कस्टमर हमारी शॉप में वापस आके 3,000 हमें दे देगा? क्या चीजें पकड़ा देने से फर्दर प्रॉफिट का जो चांस था वो कस्टमर को ट्रांसफर हो चुका था? क्या वो 3,000 एक्स्ट्रा उसी का, हमें उसने कितने देने, वो भी अलग देने? क्या पकड़ा देने से फर्दर प्रॉफिट ऑफ कस्टमर का हो गया? चीजें पकड़ा देने से हमारा रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गया, अब उसके बाद वो चीजें किसी प्रॉफिट पे बिके तो वो प्रॉफिट हमारा नहीं है उसका है, लेकिन सिचुएशन को जरा उलट कर लेते हैं। लेट्स सपोज आपके शॉप से बाहर निकला कस्टमर, मोबाइल उसके हाथ में था, उसने वो डब्बा खोला और उस मोबाइल में अपनी सिम डालते हुए उसके हाथ से वो मोबाइल गिर गया,
मोबाइल के टुकड़े उठाता है, इकट्ठे कर करके फौरन वापस भाग के हमारी दुकान पे आएगा और कहेगा भाई जान अपना मोबाइल वापस ले लो और हम मासूमियत से लेके जेब में रख लेंगे। क्या मोबाइल पकड़ा देने से रिस्क भी ट्रांसफर हो गए थे? तो क्या सेल हो गई थी या सेल उस वक्त होगी जब पैसे आएंगे? एग्जाम्पल हमें लागे सबको, क्या ऐसा हुआ कि उसके बाद उसे चाहे प्रॉफिट हो रहा हो या लॉस हो रहा हो तो उसका अब हमसे कोई लिंक नहीं। चीजें पकड़ा देने से क्या हुआ? रिस्क और रिवॉर्ड्स ट्रांसफर हो गए और देयरफॉर चीजें हमारी नहीं रही। अब वो बिके, इस्तेमाल हो, खराब हो, उससे किसका कोई कंसर्न नहीं है, सेलर का कोई कंसर्न। सेलर का कंसर्न बस कब तक रहेगा? जब तक चीजें हमारे पास हो। और अगर चीजें दे दी हैं, कंसिडरेट करिएगा नेक्स्ट वर्ड्स पर, अगर चीजें पकड़ा दी हैं तो चाहे पैसे नहीं भी मिले तो क्या सेल हो गई है? तो क्या सेल पैसे मिलने से होती है या चीजें पकड़ाने से होती है? चीजें पकड़ाने से असल में क्या होता है? रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर होने। और रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर होने से क्या होता है? फिर चीजें सेलर की नहीं रहती, फिर चीजें किसकी हो जाती हैं? तो क्रेडिट सेल में और कैश सेल में, दोबारा कैश सेल आपने सामने रखा है। कैश सेल में मैंने आपसे कहा था सेल हो गई है, कंसेंट्रेट कंसेंट्रेट, मैंने आपसे कहा था सेल हो गई है और बढ़ गई है, कहा था। तो इस वजह से कहा था कि पैसे मिल गए या इस वजह से कहा होगा कि चीजें देनी है। तो बिल्कुल इसी तरह से अगर इसी क्रेडिट सेल में ट्रांजेक्शन भी पड़ा, क्या यहाँ भी फर्स्ट फरवरी वाले दिन हमने चीजें पकड़ा दी हैं? तो क्या चीजें पकड़ा देने से रिस्क रिवॉर्ड ट्रांसफर होने से सेल हो गई है? सर वापस करने के लिए ये बना लेते नॉर्मली रिस्क एंड रिवॉर्ड्स आर ट्रांसफर्ड When the goods are, delivered मतलब मैंने ऊपर लिखा रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ट्रांसफर हो जाए, तो रिस्क एंड रिवॉर्ड्स अब ये लिख रहा हूं कब ट्रांसफर हो जाते हैं, तो समझ आया मैंने क्या लिखा नीचे? रिस्क एंड रिवॉर्ड्स कब ट्रांसफर हो जाते हैं? जब सेलर बायर को चीजें डिलीवर करते, उसके बाद उन गुड्स की वजह से कोई फायदा हो या नुकसान हो, वो फिर किसका नहीं है, किसका है? तो देयरफॉर सेलर को फाइनली अपनी बड़ा सेल कब रिकॉर्ड कर लेनी चाहिए? जब रिस्क रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गए। और हमें कैसे पता चलेगा रिस्क रिवॉर्ड का ट्रांसफर हो गया जब गुड्स डिलीवर हो गया? पूरी बात समझ आ गई सबको? कोई कंफ्यूजन है तब जिसे एग्जाम्पल देते हैं, मुझे डेट पर बता दें कि किस डेट पे सही लेंगे। फर्स्ट है, एक फर्स्ट डन है, या लाइन स्टूडेंट्स का कोई क्वेश्चन? जी सर, जी जी नहीं बेटा, वो फिर देखें, अगर फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फॉल्टी और आपने वारंटी दी हुई है, वो ग्रे कलर का स्टोरी शुरू हो जाएगी और इंशाल्लाह वो FA1 FA2 में आएगी, बल्कि FA1 में भी नहीं, FA2 में इंशाल्लाह आएगी। लेकिन मोबाइल पे वारंटी पे सेल किए जाते हैं, वारंटी के साथ फिर ये भी होता है कि डिफेक्ट्स रिमूव होने या पैसे वापस करने, ये भी फिर एक नई स्टोरी है। तो इंशाल्लाह FA2 तक ऐसा ऐसा पहुँचते हैं। ऐसा तो होगा कि एक बंदे ने मैसेज सवाल किया, मैंने उसका जवाब दिया, नहीं मान लो नहीं बेटा, मैंने भी कुछ नहीं कहा, लेकिन कहा सब नहीं इसका ना करें यार, ये मतलब पैसे ना गिरे सर, बड़े होने की कोशिश करें। अब आपने हाइट और वेथ में भी इंशाल्लाह अच्छा और बड़े होना है, लेकिन मेच्योरिटी एक चीज है। पढ़ाई के दौरान प्लीज डोंट डिस्टर्ब अदर्स। भाई ने एक अच्छा सवाल किया, मैंने उसको कोशिश की जहां तक कभी जरूरत है जवाब देना।
आपने यहीं से काम किया, आपने किया किसी और ने किया है वैसे, लेकिन कोई नहीं किया जी। एनी अदर कंफ्यूजन या नहीं, स्टूडेंट्स क्लियर है? एक सेकंड, मेरा एक दो सवाल मेरे सामने। When the risk and risk and reward are when the goods are delivered, ये सब साफ लिखा है, लिखा ये बता कि चीजें देखे, अगर risk and reward अभी completely transfer नहीं हुए तो आपको सेल रिकॉर्ड करनी चाहिए। तो इससे सवाल पूछता हूँ, मैंने अभी आपके सामने क्या बात रखी कि क्या सेल कब रिकॉर्ड करनी चाहिए, और अगर इसके रिवॉर्ड ट्रांसफर नहीं हुए फिर मैं यही कहना चाहता हूँ कि सेल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। लेकिन आम हालात में फिलहाल आज अभी तीसरा दिन हमारी काउंटिंग है, एक्सेप्शन डेफिनेटली होती है पर ऐसा ऐसा उस पर भी जाएंगे। आम हालात में, नॉर्मल हालात में रिस्क एंड रिवॉर्ड कब ट्रांसफर हो जाते हैं, इस बात से आप एग्री करेंगे कि जब हम चीजें डिलीवर कर देंगे कस्टमर को तो आमतौर पर रिस्क एंड रिवॉर्ड फिर हमारे उस डेट से ऑनवर्ड नहीं रहेंगे, वो फिर जिसके पास चीजें चले जाएंगी उसकी चॉइस होगी कि उसने उसको इस्तेमाल करना है, सेल करना है या अदरवाइज कैसे यूज करना है, किसी को कर देना है, एक्सेट्रा। डन है प्लीज, अब यहाँ पे तक क्लियर हो गया जी। कोई और क्वेश्चन? आपने भी लिख लिया ना, क्या बड़ा क्या कम हुआ यहाँ पर? रिसीवेबल बड़ा, गुड्स कम हुए। फिर एक सवाल, क्या सेल हो गई? जाने भाई यार पैसे तो आए नहीं। अब अगर इस तरह की बात कोई आपके सामने आने से करे तो आप उसे क्या मासूमियत से जवाब दोगे कि सेल ने ये इतना मुश्किल वाला ना दीजिएगा? ये तो ये चीजें जब हम डिलीवर कर देंगे तो सेल हो जाती है, फिर अगर वो फिर भी इंसिस्ट करे फिर आपसे कर दीजिएगा भजन डिलीवर करने से रिस्क एंड ट्रांसफर होगा। तो पहले आसान सी बात अगर समझ आ जाओ तो ठीक है, अदरवाइज बाकी फिर इंशाल्लाह पंगा ले लेंगे। लेकिन आप लोगों को क्लियर हो गया कि क्या होने से आपकी सेल रिकॉर्ड होगी? रिस्क एंड रिवॉर्ड्स मींस गुड्स डिलीवर होने से फर्स्ट को सेल या एट्थ को सेल, फाइनल 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 ये लेकिन याद, सेल इनकम कितने से बढ़ी है? 84,000 से या 80,000 से? 4,000 से, 4,000 से क्या बढ़ा है? मैं अभी इनकम की बात, अगर आपसे कहो यार अजीब सेल है पैसे तो आए नहीं, तो इसका क्या जवाब होगा कि यार ये अजीब सेल नहीं, ये क्रेडिट सेल है, ये अजीब सेल नहीं है, ये क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल में क्या होता है, चीजें चली जाती हैं लेकिन पैसे अभी आने हैं, और इसीलिए पैसे आने होते हैं की वजह से हमने एक रिसीवेबल फ्रॉम असेट रिकॉर्ड कर लिया। अब डन है फाइनली, और वंस अगेन कहीं नोट करना आपके साथ, ये जो रिसीवेबल है डेटर के नाम से और जो सेल है ये किस प्राइस से इंक्रीज हो रहे हैं? सेल प्राइस से। आए यहां तक लिख के एक फाइनल कंपैरिजन अब करें कैश सेल्स का क्रेडिट सेल्स के साथ, कैश सेल पैरेलल सामने रखो। फाइनली व्हाट इज द सिमिलरिटी बिटवीन कैश सेल एंड क्रेडिट सेल? चीजें देने से गुड्स कम हो जाएंगे, चीजें देने से सेल भी हो जाएगी, ये दोनों में कॉमन है। इस सिमिलरिटी सिर्फ क्या है, कैश पे बेचेंगे तो कैश इमीडिएटली आ जाएगा और अगर क्रेडिट पे बेचेंगे तो कैश ना मिलने की वजह से रिसीवेबल बढ़ता है। डेटर मींस रिसीवेबल बढ़ता है। व्हाट इज द ओनली डिफरेंस, कैश आने की बजाय अभी पैसे बाद में आने हैं, देयरफॉर पैसे रिसीवेबल होंगे। एनी कंफ्यूजन इन एनी वर्ड? एक नजर रिवाइज करते नजर आए आप, कैश सेल भी और क्रेडिट सेल भी, कुछ से मेरा एक सेकंड स्टोरीज बोले तो मैंने बोली है।
बट ऑनलाइन सेल्स होता है। ये बेटा पार्ट्स में बेचेंगे तो पार्ट्स में सेल ही बहुत होगी। अगर 20 आइटम्स देनी है और उनमें से 5 दी है तो सिर्फ आप 5 की सेल रिकॉर्ड करेंगे, बाकी 15 की सेल तब रिकॉर्ड करेंगे जब बाकी उनमें से देंगे। तो पार्ट्स में हो या कट्ठा हो, आपने जो चीजें दे दी है उनके लिए सेल रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, पार्ट इसी में आप 8 फरवरी पे आएगा। इसी एग्जाम्पल को कल कंटिन्यू करें और 8 फरवरी सामने आ जाए। ये जो मैंने एग्जाम्पल लिखी थी उसको जरा देख लें। 8 फरवरी पे आप क्यों रुका हूँ? 8 फरवरी पे क्यों रुका हूँ? ऐसे आने जाने कभी बताए क्या होगा? इसमें क्या है, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? अगर सपोज सारे ही आ गए तो कितने से इंक्रीज होगा और सेल भी बढ़ जाएगी तो क्या पहले सेल हो जाएगी? सेल कब हो गई है? चीजें देने से हो चुकी है और क्या होगा फिर? पैसे मिलने के बाद हमारा रिसीवेबल भी कम हो जाए। अब कितने से कम होगी, कितना रह जाएगा? तो टोटल औसत से हमारा रिसीवेबल कम होके कितने से कम होके 84,000 से कम होके फिर जीरो रह जाएगा। अगर सारे पैसे उसने दे दिए हैं तो 84,000 से रिसीवेबल रिड्यूस होके जीरो रिसीवेबल रह जाएगा। तो मैं इसको ये इंक्रीज डिक्रीज के एंगल से लिख रहा हूँ। फाइनली कितना रिसीवेबल रह जाएगा ये समझ आता? कितना रिसीवेबल हो गया था 84,000, अगर सारे पैसे मिल गए हैं तो 84,000 से रिसीवेबल कम होके फिर जीरो रिसीवेबल रह जाएगा। एनी कंफ्यूजन एनीवेयर? देख लीजिएगा प्लीज, क्लियर होना चाहिए। अब जो है परचेजेस भी और सेल्स भी इकट्ठा रिवाइज करेंगे, कैश परचेज से लेके ये क्रेडिट सेल तक वाला फिक्स करके वाला फाइनल कर। इंडिविजुअली इंडिविजुअली रिवाइज का मतलब इंडिविजुअली ये बट ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है सर? कोई कंफ्यूजन तो नहीं ऑनलाइन स्टूडेंट्स की तरफ से? एनी क्वेश्चन एनीवेयर? यहां तक मुश्किल तो नहीं लग रहा? चले फिर नेक्स्ट एक पेज निकल, यहां भी एक नेक्स्ट पेज निकल। अगर थोड़ी सी बात हो आगे बढ़ाएगा, अगर थोड़ी सी जगह रहती है तो छोड़ दो, नेक्स्ट पेज पर एक एग्जांपल बना लो। एक मिनट, नेक्स्ट अकाउंटिंग क्वेश्चन बस कर रहे, सीरियस हो बस बस सवाल खत्म। बड़े सिर्फ अंडरस्टैंड करना है, इसमें कुछ रटने वाली जरूरत नहीं।
की जरूरत नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्चुअली अपने आप को ट्रेन करना और ऐसे ऐसे आगे चलते जाना। गरीब मुल्क के अकाउंटिंग इक्वेशन, बस एक सेकंड पहले मेरी बात सुन लीजिएगा, मैं कहना चाहता हूँ। अब ये बड़े जितनी आप अकाउंटिंग पढ़ेंगे यहाँ से ऑनवर्ड हमेशा जिंदगी में, तो वो अकाउंटिंग सेट इस तरह से हुई है, सारी बनी ऐसे हुई है कि किसी भी डेट पे किसी भी ट्रांजेक्शन के बाद अगर आप अपने टोटल एसेट्स में से टोटल लाइबिलिटीज माइनस करें किसी भी डेट पे किसी भी ट्रांजेक्शन के बाद अगर आप टोटल एसेट्स की फिगर में से टोटल लाइबिलिटीज की अमाउंट माइनस करेंगे तो ये अमाउंट हमेशा अगर आप अकाउंटिंग ठीक कर रहे हैं कैपिटल के बराबर आएगी। ये बात आपने प्रूव नहीं करनी, ये मैं आपके सामने प्रूव करूंगा। मैंने कहा क्या है, कभी भी किसी ट्रांजेक्शन के बाद किसी भी डेट पे अगर आप अपने टोटल एसेट्स में से टोटल लाइबिलिटीज माइनस करेंगे और आप अकाउंटिंग ठीक कर रहे होंगे तो इंशाल्लाह आपकी वो फिगर किसके बराबर आएगी, तो इसको बोला जाता है अकाउंटिंग इक्वेशन। कैसे बराबर आएगी वो भी मैं आपके सामने वर्किंग करके दिखाता हूँ। तो लिखा जरा अकाउंटिंग इक्वेशन, मैथ्स है ना दिन में, इज इक्वल टू क्या किसके बराबर आएगा जरा बोलो। टोटल एसेट में से टोटल लाइबिलिटीज माइनस करके जो आंसर आएगा वो फिर किसके इक्वल इंशाल्लाह होगा, कैपिटल के बराबर इंशाल्लाह होगा। नहीं अभी मैंने ये एक्सप्लेन नहीं किया कैसे होगा, मैं सिर्फ आपके सामने बात रख रहा हूँ कि इंशाल्लाह होगा, इंशाल्लाह कैसे होगा उसका। अच्छा वैसे मैथमेटिकली जरा इसको थोड़ा सा रीअरेंज भी किया जा सकता है, टोटल एसेट्स इक्वल टू ये इक्वेशन का बन जाएगी कैपिटल प्लस टोटल लायबिलिटीज, और रीअरेंजमेंट की भी शायद जरूरत पड़ेगी हमें, लेकिन फिलहाल मैं इसी तरह ध्यान रखेंगे। तो दोबारा बोलूंगा कैपिटल इज इक्वल टू टोटल एसेट्स। अच्छा पांच मेन हेड्स हैं मेरे, कौन कौन सा एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंसेस, कैपिटल, कौन सा दो या नहीं? लेकिन इनकम और एक्सपेंसेस को अगर आपस में लेस कर दिया जाए इनकम से एक्सपेंसेस तो फिर प्रॉफिट आ जाता है, और प्रॉफिट इज पार्ट ऑफ कैपिटल। किसी को पता कैपिटल वाली वर्किंग नहीं करेंगे कल जो की कैपिटल की कैलकुलेशन कैसे होती है, अमाउंट इन्वेस्टेड ढूंढ के बोल रहे हैं, ढूंढ के बोल रहे हैं अमाउंट इन्वेस्टेड प्लस प्रॉफिट माइनस लॉस, प्रॉफिट कैसे आता है, प्रॉफिट कैसे आता है, इनकम माइनस एक्सपेंसेस, शायद सारी चीजें इसी के अंदर अभी आ गई। ठीक है आगे वापस इस पेज पे अब मैं करूंगा इस तरह के ट्रांजेक्शन लिखूंगा और आपके सामने फिगर्स को पोस्ट भी करूंगा इस इक्वेशन में, और आपसे रिक्वेस्ट है जब मैं कहूँ कि लिखें प्लीज लिखें, और अगर कहूँ रुक जाए तो कहीं प्लीज रुक जाइएगा, असल चीज है कि इसे अंडरस्टैंड करना। तो पहले एक ट्रांजेक्शन मेरे साथ लिखा, लेट्स सी ओनर, स्टार्टेड द बिजनेस, विद कैश ऑफ रुपीज 3 lakh, फिगर्स आसान सी रख लाऊंगा। ओनर स्टार्टेड द बिजनेस विद कैश ऑफ रुपीज 3 lakh, बिफोर दिस फर्स्ट ट्रांजेक्शन इस बिजनेस के कितने एसेट्स होंगे, नहीं बिफोर दिस ट्रांजेक्शन, इस पहली से भी पहले लाइबिलिटीज कितनी होंगी, और देयरफॉर कैपिटल भी, अगर बिजनेस ही नहीं होगा फिर तो कुछ नहीं है, और अगर ये फर्स्ट ट्रांजेक्शन हो जाए तो फिर इसमें कहां कहां चेंज आएगा ये मैं बताने लगा। बिफोर दिस ट्रांजेक्शन क्या सब कुछ जीरो, लेकिन क्या आफ्टर दिस ट्रांजेक्शन कोई चेंज आएगा, पहले मेरे से सुने
क्या इस ट्रांजेक्शन से बिजनेस के कैश में इंक्रीज होगा? तो कैश में इंक्रीज का मतलब एसेट्स में 3 लाख ऐड हो जाएगा, पहले जीरो है तो 3 लाख हो जाएगा, लेकिन ये पैसे कहां से आए? तो क्या इस कैश के आने से कैपिटल भी भर जाएगा? कैपिटल और कैश रहेगी तो बात है, कैश में जैसे, और अगर ये कैश बोनस है तो देयर फॉर कैपिटल भी है, तो कहां कहां इंक्रीज आएगा, कहां कहां इंक्रीज आएगा? इस ट्रांजेक्शन के बाद हमारे टोटल एसेट्स 3 लाख हो जाएंगे, उसके कह रहा हूं, पर मतलब उसके नीचे लिख रहा हूं, इस ट्रांजेक्शन से कोई हमारी लाइबिलिटी पे इफेक्ट, कोई इफेक्ट से कोई लाइबिलिटी नहीं, लेकिन क्या इस ट्रांजेक्शन के बाद हमारे कैपिटल में भी 3 लाख हो गया है? इस कैश से होने से कैश आने से क्या क्या बढ़ गया? पहले बोले कैश मीन्स एसेट बढ़ गया, और पैसे होने से आने का मतलब कैपिटल भी बढ़ गया है। एक सेकंड बोर्ड पे देखा जरा, 3 लाख एसेट्स माइनस 0 लाइबिलिटीज इज इक्वल टू 3 लाख इज इक्वल टू कैपिटल ऑफ 3 लाख। इक्वेशन मैच है, कैसे मैच है? 3 लाख माइनस 0 इज इक्वल टू 3 लाख और इज इक्वल टू कैपिटल। एक चीज और, ये कोई हमने इक्वेशन कोई जान बूझ के बैलेंस नहीं करनी, इंशाल्लाह हमने बस लॉजिकली सोचना है, इंशाल्लाह इसमें खुद बैलेंस होगा। तो क्या मैंने इसको जबरदस्ती बैलेंस कर दिया है या अल्हम्दुलिल्लाह ये बैलेंस है? तो इंशाल्लाह इसने हमने क्या करना है, सिर्फ लॉजिकली सोचना, बाकी इंशाल्लाह इसमें खुद ही बैलेंस होगा। ये हो गई है, मैंने कर दी है, देख लेते हैं। और थोड़ा सा मैंने स्पेसिफाई कर दिया, ये एरो से मैं नीचे बना रहा हूँ, मतलब वो एसेट्स के नीचे लिख रहा हूँ, लाइबिलिटीज के नीचे, कोई डिक्रीजिंग एरोस नहीं कर रहा, अब ये ना मसला बन जाएगा। अंडरस्टैंड कर लीजिए प्लीज, क्या लिखा है देखें, यू ऑल सोर्स क्लियर? देखने को लिखते हुए किसी जगह में आपको अगर कंफ्यूजन हो रही है, ये मैंने क्या लिखा, कैसे लिखा, अंडरस्टैंडेबल? ये बता, छोड़ दो एसी को यार, एसी में क्या कर दिया हर बंदा, एसी एसी ये 2-3 लाइनें हैं, उसे नहीं ऊपर होना, नहीं वो तो ठीक है, लेकिन उसने ऊपर नहीं होना, ये आपने देख ली है, कोशिश भी कर ली है, तो इसका एक ही तरीका हो सकता है कि थोड़ा सा या तो आगे आ जाए या पीछे चले जाए, वो तो फैसला हो चुका उसका, अब पूरा मोहल्ला देख रहा है लेकिन वो नहीं मान रहा। नहीं आपको चेयर आगे करना है, मतलब ये सेंटर में करना है या पीछे करना, ये सेंटर इस लाइन में करना है ना, कोई डेट हवा पड़ी या अगर बंद करवाना, तो मैं क्या कह देता हूँ इसे चलता रहे, मतलब थोड़ा सा अगर किसी पर डेट हवा पड़ी तो काइंडली चेयर अपनी आगे कर, अब प्लीज कर लेना यार, फिर उधर ही शुरू हो जाएंगे ना, ये मानते ना वो, थोड़ा देखी जाएगी, हुक्म कीजिएगा सर, क्या दोबारा बता दो। बिजनेस में कैश आ जाएगा बेटा, पहले एसेट्स हमारे जीरो है, अब एसेट्स में कैश शामिल होके 3 लाख हो जाएगा। इस ट्रांजेक्शन के बाद क्या मैं कह सकता हूँ कि हमारे बिजनेस में अब 3 लाख के और कैश की शक्ल में एसेट हो गया, और वो पैसे क्योंकि ओनर से है इसलिए कैपिटल में भी 0 से 3 लाख इजाफा होकर 3 लाख हो गई, बस ये मैंने लिखा। और इस ट्रांजेक्शन से लाइबिलिटीज पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ, अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लाइबिलिटी जीरो है, बस ये लिखा। और दोबारा 3 लाख इज इक्वल टू 3 लाख क्यों लिखा? जस्ट टू शो यू के बैलेंस है, ठीक है, चलो हम आगे चलो सर, सेकंड ट्रांजेक्शन लिखा, बिजनेस ऑब्टेन्ड अ लोन फ्रॉम बैंक रुपीज 1,50,000, रुपीज 1,50,000 इन कैश। पहले कहीं जरा खुद से लिख के जरा ट्रांसलेशन करना, क्या किया बिजनेस में? अब मैं करूंगा, मैंने इस तरह से बोर्ड पे देखिएगा, ये जो मैंने लास्ट में लिखा है 3 लाख इज इक्वल टू 3 लाख, ये तो फिर मैंने इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए टोटल्स किया दोनों,
असल में हमारे एसेट्स ये हैं। इस ट्रांजेक्शन से पहले 3 लाख का कैपिटल है, 3 लाख के एसेट्स है और 0 लाइबिलिटी। इस ट्रांजेक्शन नंबर 2 से पहले 3 लाख का कैपिटल हो चुका है, 3 लाख के एसेट्स भी हैं और लाइबिलिटी फिलहाल 0 थी। अब हमने करना क्या है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे जो पिछली ट्रांजेक्शन है उससे आगे चलेंगे। तो मीन्स टू से सेकेंड लाइन से, सेकेंड ट्रांजेक्शन से क्या कोई कैश वाले एसेट्स में इंक्रीज आएगा? पहले वो कितने हैं? 3 लाख। पहले कैश 3 लाख एसेट है, अब उसमें कितना इंक्रीज आ गया? 1,50,000 कैश और बढ़ जाएगा, देयरफॉर वो कितना हो जाएगा? 4,50,000, 3 लाख प्लस 1,50,000। क्या इस ट्रांजेक्शन से कोई कैपिटल में भी चेंज आएगा? तो कैपिटल रिमेन्स 3 लाख। ओके सर, लेकिन क्या इस बैंक से लोन लेने से कोई लाइबिलिटीज पे भी इफेक्ट आएगा? पहले लाइबिलिटीज कितनी है? तो अब लाइबिलिटीज कितनी हो जाएगी? तो कैंडी हाउ टू राइट प्लीज अपोर्ट पे देखें। बिफोर भी एक एक मिनट आराम से एक दो स्टेप्स में से देखो, बाकी कोई ऐसी बात नहीं, आराम से देखो। पहले ऐसे से 3 लाख एग्रीड, उसमें 1,50,000 का कैश और एड हो गया। इस 3 लाख में तो पहले एसेट्स का 3 लाख था, उसमें मैंने और कितने ऐड कर दिए? आगे चले, लाइबिलिटीज पहले क्या थी? 0, लेकिन अब लाइबिलिटीज में कितना ऐड हो गया? 1,50,000। ओके, कैपिटल की तरफ आए, कैपिटल कितना है? उसमें कोई चेंज? लेट मी फिनिश यहां तक। ओके, अब इसको मैं सॉल्व करवा दें। एसेट्स टोटल कितने हो गए? 4,50,000। लाइबिलिटीज कितनी हो गई? 1,50,000। क्या 4,50,000 माइनस 1,50,000 ई लैक कैपिटल के बराबर ही अमाउंट है? अब लिखे ये अनलिस्टेड्स बड़ा चल रहे साथ साथ। जहां भी हो, जैसे भी हो, अपने जब जिस भी जगह पढ़ रहे हैं हम लोग, तो काइंडली फील लाइक इन क्लास, प्लीज पार्टिसिपेट किया करें। देखे तो सकता है क्या? देखा मैंने क्या 3 लाख के कैपिटल पे लोन लेने से कोई इफेक्ट होगा? ना कह पता इस वाला ग्रह प्लीज सीरियस बिल्कुल आग नहीं है। आप बताए सर, कैपिटल कब बढ़ता है? जब ओनर इन्वेस्ट करता है, या प्रॉफिट हो जाए, या लॉस हो जाए, या ड्रॉइंग्स हो जाए। बैंक से अगर लोन लिया है, कैश बढ़ेगा या कैपिटल बढ़ेगा? बस ये वर्ड्स ही फाइनल कर ले। कैश मिलेगा बैंक से या कैपिटल मिलेगा? तो कैश बढ़ गया, क्या वो कैश वापस भी करना है? तो इस कैश को पकड़ लेने से लाइबिलिटी भी बन जाएगी, तो ओनर की तरफ से तो पैसे नहीं आए ना, उसने वापस लिए हैं, तो लोन लेने से ओनर के कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तब इफेक्ट आता है, मैंने 3-4 चीजें बोली, सब लोग कैंडी मैसेज रिपीट कर रहा। कैपिटल में चेंज बड़ा तब आएगी जब ओनर इन्वेस्ट करेगा, सबको पता है, या प्रॉफिट हो जाए फिर बढ़ता है, कम होता है, और अगर लॉस हो जाए, अगर ड्रॉइंग्स होते हैं, तो बस ये 4 चीजें फिलहाल जो आपको पता। ये क्या होंगे? ओनर से पैसे हैं, ओनर ने दिए, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, क्या हुआ? तो उसे लोन लिया है, कैश आ जाएगा, एसेट बन जाएगा, और पैसे क्योंकि उधार के तौर पर लिए वापिस करने होंगे, अब लाइबिलिटीज में भी 1.5 लाख की अमाउंट लिखी होनी चाहिए। सब ओके प्लीज? फाइनल क्वेश्चन बैंक से, मैं एक दफा दोबारा इसको टेस्ट प्रूव इन फ्रंट ऑफ यू। 4,50,000 माइनस 1,50,000, 3 लाख और 3 लाख। तो ये मैं लास्ट में वर्किंग कर रहा हूँ, फिर मैं 3 लाख इसी को 3 लाख फिलहाल बना रहा हूँ। ये बन भी रहेगा सर? नहीं, कैसे बना दिया 3 लाख का राइट साइड में? एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, तो ये जस्ट प्रूव है क्वेश्चन। हमेशा इंशाल्लाह अगर हमारी कंपनी ठीक है, आप एकदम फाइनली आप भी रिपीट कर लें, क्या चीज किसके बराबर हो? नंबर 3,
अलहमदुल्ला इतनी रुकावट हो रही है उनसे। नहीं मैंने आपके दिन आपको बोला है, मैं तो थका ही लगता हूँ लेकिन आपका फ्रेश लग रहा है, लगता मैं सही नहीं देख रहा। नहीं मैं बिल्कुल सही देखा हूँ, माशाल्लाह सब ठीक है, अभी टाइम देखने वाली बात तो नहीं शुरू हुई। नंबर थ्री सर, नहीं वो तो शुरू से शुरू हुई थी पहले सर, मैंने वैसे ही मुलाकात कहा था सर, कर लेते फाउ साहब बात क्या हो। नंबर थ्री सर, थर्ड ट्रांजेक्शन बिजनेस परचेस्ड, बस 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 खत्म करें बात। बिजनेस परचेस्ड फर्नीचर ऑफ रुपीज 10,000 इन कैश, आपने भी आंसर्स नहीं लिखे। बस मेरा ख्याल एक बार ट्रांजेक्शन के बाद फिर मैं आपसे कहूंगा, एक दो मेरा ख्याल और पैसा कर रहा, बस लाइन लिख के छोड़ दीजिए। ट्रांसलेशन मेरे लिए क्या होगा, ये जो फिगर्स आ गई थी बिफोर दिस थर्ड ट्रांजेक्शन, क्या क्या था हमारे बिजनेस में, 3 लाख का कैपिटल था, 4,50,000 के एसेट्स थे और 1,50,000 के लायबिलिटीज। ये तो पीछे एक बॉक्स बना दिए, ये मैंने सॉल्व किया। इमरजेंसी सिचुएशन ऑफ द बिजनेस, 4,50,000 का कैश की फॉर्म में एसेट है, 1,50,000 का एक बैंक लोन है और 3 लाख रुपए ओनर की इन्वेस्टमेंट कैपिटल। अब देखेंगे नंबर थ्री, अगर आप फर्नीचर खरीदेंगे कैश पे तो क्या हमारे कोई एसेट्स लायबिलिटीज कैपिटल में कोई चेंज आए? ऐसे क्या चेंज क्या है, इसको थोड़े पैसे का चेंज आएगा, क्या आप प्रेजेंट करता फर्नीचर वाले एसेट आ जाएगा और कैश वाला एसेट चला जाएगा। एक्सपेंस फर्नीचर वाला एसेट आ जाएगा और कैश वाला एसेट चला जाएगा, तो सिर्फ कहां चेंज आएगा अगर आएगा तो सुने कैसे आएगा, वहां से देखें बोर्ड कंसंट्रेट कंसंट्रेट बोर्ड पे देखा, शायद नेट इफेक्ट जीरो होगा, लेकिन बोर्ड पे देखें प्लीज। पहले जो 4,50,000 था आपको पता है ये सिर्फ कैश फॉर्म में था, ऑनर से 3 लाख आया था, देखिए पेपर नोट 3 लाख ऑनर से कैश आया था, 1,50,000 बैंक से लोन लेके कैश आया था, ये सारा का सारा 4,50,000 किस फॉर्म में था कैश में। अब इसमें से क्या निकल जाएगा, 10,000 का कैश और एसेट निकल जाएगा और इसमें इन एसेट्स में ही क्या ऐड हो जाएगा, 10,000, लेकिन क्या चीज ऐड हो जाएगी, फर्नीचर वाला एसेट ऐड हो जाएगा। तो ठीक है शायद अल्टीमेटली एसेट्स का सम सेम रहेगा, एक एसेट जाके एक एसेट आ रहा है, लेकिन एसेट्स में की फॉर्म में चेंज आ रहा है, फॉर्म से नाम से एसेट निकल रहा है और फॉर्म से नाम से ऐड हो रहा है। कोई इस ट्रांजेक्शन से लाइबिलिटीज पे इफेक्ट, कोई इस ट्रांजेक्शन से कैपिटल पे इफेक्ट, कैपिटल में कब चेंज आता है, वही चार चीजें बोलनी है सारी गिन के, पहले इन्वेस्ट कर गए प्रॉफिट हो गए लॉस हो गए गेन्स हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा काम नहीं है। नौजवान जो कॉस्ट में बैठे होते नजर आ रहे होते हैं आज इधर नजर आ रहे हैं, तो कॉस्ट वाले हजरात ने कॉस्ट में जरा हिम्मत जरा रखनी है, इधर तो कोई मसला नहीं है, तो उधर भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, कुछ दिन देगा अपने असल में पंगा भी तो बढ़ा लेगा, लेकिन इंशाल्लाह हिम्मत आपको करनी है अपने कॉस्ट और अगर इकट्ठा पड़ने तो सरेंडर नहीं करना, भाग नहीं जाना, इंशाल्लाह 10 दिन में इधर से उधर से मिलकर बराबर हो जाएगा, लेकिन इधर तो कोई इशू नहीं होना चाहिए प्लीज, इधर तो अल्लाह का शुक्र है शक्लें रिलैक्स लग रही है, उधर तो मैं जानबूझ के नहीं देखता। जी सर जी सॉल्व करते हो रहे हैं कितने एसेट्स हो, नहीं नहीं दिमाग नहीं देख पाए रहे क्लास के बाद मिलते रहे, अगर मैंने उधर कहा कॉस्ट के एंगल से तो इशूज अपने रिजॉल्व करके जाए थे जहाँ तक हो सकता है। जी सर 4,50,000
माइनस 1,50,000, ये फाइनल आंसर ठीक है मेरा? एनी कंफ्यूजन कंप्लीट करना है यहाँ पर? हमारा काम इक्वेशन बैलेंस करना है या हमारा काम लॉजिकली सोचना है? इससे इंशाल्लाह खुद बैलेंस होगा। देखिए सब कुछ सेट ऐसे हो रहा है, इसने इंशाल्लाह इक्वेशन में खुद ही मैच करते जाना। नंबर फोर लेते हैं, गुड्स कॉस्टिंग ₹35,000 परचेज्ड ऑन क्रेडिट। गुड्स कॉस्टिंग ₹35,000 परचेज्ड ऑन क्रेडिट। अभी क्रेडिट परचेज वर्ड सुना है सर? एक कहीं पिछले पेजिस पे जाकर रिवाइज करके वापस आए। क्रेडिट परचेज अगर करेंगे तो उस दिन क्या होता है? देख के मुझे पता है आपको आता है, लेकिन कभी देख के कंफर्म ऐसे ही आता। गोल्स बढ़ जाती है और पैसे ना देने से क्रेडिटर की तरफ लाइब्रेरी बन जाती है। तो यहाँ मैंने पहले नाम नहीं लिखा किसी पर्सन का, लेकिन जो भी ये साहब होंगे जिनसे हमने क्रेडिट पे चीजें खरीदी होंगी, वो साहब हमारे लिए बेटर बन जाएंगे या क्रेडिटर बन जाएंगे? क्रेडिटर चीजें खरीदी हैं, बेटर वर्ड का यूज होता है जब चीजें बेची हो और पैसे लेने हो। अब यहाँ क्या हुआ, चीजें खरीदी है, पैसे हमने बाद में देने। बताइए क्वेश्चन के एंगल से क्या क्या चेंज आना चाहिए? बाद में लिख रहे हैं आपने, बाद में लिख रहे हैं, खामोश होते जाए करें प्लीज। जब तक रहेगा, जब तक सेल नहीं हो जाएगा, तो खरीदने से एसेट्स बढ़ जाएंगे। पहले एसेट कितने, कितने रुपए के एसेट्स है आपके, कितना ऐड हो जाएगा? कोई इस ट्रांजेक्शन पे से लाइबिलिटीज पे इफेक्ट? ऑलरेडी लाइबिलिटीज इतनी है 1,50,000, लाइबिलिटीज में प्लस करेंगे माइनस, लाइबिलिटीज में इजाफा हो जाएगा या रिडक्शन आ जाएगी, कितना ऐड करूंगा? एनी इफेक्ट ऑफ दिस ट्रांजेक्शन इन कैपिटल? तो वो बड़ा 3 लाख एज इट इज रहेगा। लेट मी कंक्लूड, टोटल परचेजेस सॉरी टोटल एसेट्स बता दें कितने हो जाएंगे। सॉल्व किया करें, यूज कैलकुलेटर ठीक है, लेकिन यूज कैलकुलेटर वेयर इट इज रिक्वायर्ड। 450,000 प्लस 35,000, 4,35,000 व्हाट विल बी द टोटल लायबिलिटीज? 185,000 क्लियर है प्लीज? और वंस अगेन 4,85,000 माइनस 1,85,000 इज इक्वल टू 3 लाख कैपिटल। अंडरस्टैंडेबल ठीक है? इनके पे स्पेसिफाई कर रहे हैं, ये 35,000 ऐड हुआ गुड्स वाला और लाइबिलिटीज में 35,000 क्या ऐड हुआ? क्रेडिटर वाला। ये लिख लो ऊपर नीचे कहीं स्पेसिफाई करना। अभी किसी फॉर्मेट के एसेट्स टेंशन आपने नहीं लेनी है, बात सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के हवाले से हो रही है। कैसे लिखना है ये कोई साइंस नहीं है, फिलहाल जैसे लिख रहा हूँ समझ आ रहा है क्या कर रहा हूँ, तो ये सिर्फ अंडरस्टैंड करना अभी आपको। किसी को ऐसा तो नहीं महसूस हो रहा है कि जब मेरा दिल करता है प्लस कर देता हूँ, जब दिल करता है कुछ नहीं करता? आपको समझ आ रहा है क्या होता है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है?
जी सर, नंबर 5। फर्स्ट क्वेश्चन इज गोल्ड कॉस्टिंग, बेटा ना क्या करें यार, इतना हल्का हल्का बोल रहे, साथ वाले को भी आवाज नहीं आ रही, फायदा फिर क्या है। गोल्ड कॉस्टिंग 12,000 रुपीज, 12,000 सोल्ड फॉर रुपीज 15,000 ऑन कैश, जी जी नहीं बेटा अभी तो नहीं ना, लेकिन जब पेमेंट करेंगे तो खत्म होगी। तो फोर्थ ट्रांजेक्शन में तो अभी सिर्फ हमने खरीदी है, तो फिर मैं नेक्स्ट बताता हूँ कि सपोज अगर पे करेंगे फिर क्या होगा। तो फिलहाल सपोज पे नहीं किया, और पे करने से पहले जो चीजें खरीदी थी क्या हम उन्हें बेच सकते हैं, एक बार सोचेगा फिर। ट्रांजेक्शन नंबर 4 में गुड्स खरीदनी है, तो पैसे तो दिए नहीं, तो मैंने अगली ट्रांजेक्शन में बेच दी चीजें, हो सकता है सर चीजें हैं बेचनी। हाँ डेफिनेटली ड्यू डेट पे पेमेंट भी करेंगे, तो लेट्स अज्यूम ड्यू डेट आने से पहले हमने किसी कस्टमर को ये चीजें बेच दी, ठीक है। तो अभी इंशाल्लाह आगे चलते हैं, एक सेकंड जरा दफा लाइट आ गई। जी नहीं, गुड्स कॉस्टिंग 12,000 सोल्ड फॉर रुपीज 15,000 ऑन कैश पहले करवाए। बिफोर दिस ट्रांजेक्शन व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल, एसेट्स, लाइबिलिटीज, वहां से कंटिन्यू करवाना है, पहले करवाने 4,85,000 के एसेट्स में कोई चेंज, क्या चेंज, कितने से गुड्स कम हो जाएंगी, कितने से गुड्स कम हो जाएंगी 5,000। रुक दे रुक दे, तो क्या माइनस कर दिया मैंने 12,000, क्या माइनस कर दिया, गुड्स को माइनस कर दिया एसेट्स में से, और क्या उन गुड्स की जगह एसेट्स में कैश 15,000 ऐड हो गए, क्या निकल के क्या ऐड हो गया, होलसेल एसेट कम होके कैश होल एसेट बढ़ गया, ठीक हो गया था। एनी इफेक्ट ऑफ दिस ट्रांजेक्शन ऑन लाइबिलिटीज, liabilities will remain intact 185,000. Any effect of this transaction on the capital of the business? Yeah, yeah, kya mere bhai? Capital 3 lakh tha. Kya is transaction se kuch profit hua hai sir? Kitna hua hai? 12,000, 15,000. Kitna hai karo? Calculator sun rahe hain? Finally solve kar rahe hain. एक समय आ जाओ तीसरी जाओ जी, इतना आसान क्या चीज जमा कर दी मैंने कैपिटल में, प्रॉफिट प्रॉफिट 3,000 हुई, प्रॉफिट सबको ले रहा है। हाँ जी सॉल्व करके अब मेरा कैपिटल कितना हो गया, 3,00,000 बेटा। एक बार देखा करें पहले यार,
पहले कंप्लीट करवा देना पूरे फिगर्स, एस्पेक्ट्स बता दें कितने हो गए। ऑल है सॉल्व करें प्लीज सब चीज, ऑल है 88,000, लायबिलिटीज कितनी हो गई, वो एज इट इज है 185,000, क्या इक्वेशन मैच है, तीन फिगर्स के बेस पे मैच है, और 88,000 माइनस 185,000 इज इक्वल टू नाउ 3,03,000, क्लियर हो गया। ठीक है, आपको मुझे लगता है खतरा है कि नहीं, बता दो तुम्हें पहले अंडरस्टैंड कर लो उसमें क्या लगता है मेरी बात, क्या प्लस माइनस किया दोबारा रिवाइज कर लेना, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जी बट ऑलवेज फर्स्ट क्लियर है, ये कोई क्वेश्चन किसी का, फाइनल कर ले फिर, 3 लाख इज इक्वल 3,03,000 इज इक्वल टू 3,03,000। मैंने तो कहा था कि ये इक्वेशन हमेशा 3 लाख इज इक्वल टू 3 लाख आएगी, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये नहीं कहा था, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज की फिगर इंशाल्लाह कैपिटल की अमाउंट इक्वल है, वो दो भी फिगर्स। नंबर 6 मजे बना रहा है, आपके भी आपके ख्याल में नहीं है बेटा, और कंपनी में क्या चीज एंजॉयमेंट की आपके ख्याल में है, यही कंपनी है सर, अगर किसी और चीज की तलाश है तो मेरा ख्याल उसको रहने दो, आगे थोड़ा और एंजॉयमेंट। नंबर 6 फैसल यार को खुदा का नाम ले यार, फैसल साहब ने सवाल किए हैं, सवाल ऐसा है फैसल सबके सामने शेयर करने वाला, मैंने 485 के लिए लिखा तो बेटा वो आई ना तो मैं लिखूं कैसे, फैसल कैलकुलेटर बोलो यार, फैसल ऐसे लिखा कैलकुलेटर उठा लिया, 485,000 लिखा ब्रैकेट वाला, माइनस 12,000 प्लस 15,000 माइनस के बराबर का आंसर आ रहा है। फैसल पिछले क्लास में फैसल मेरा बेस्ट फ्रेंड बन गया, लेकिन हर फैसल ऐसे होते फैसल आखड़ी है, आ गया आंसर, आप लोग आगे नहीं पढ़ रही है। नंबर 6 बस ये सी प्लीज, लेट्स अज्यूम ए यूनिट ऑफ 10,000 इसको कहने लिंक करें मेरे सेंटेंस को नंबर 4 के साथ, नंबर फोर क्या हुआ था, नंबर 4 पढ़ ले ढूंढ लेना, 35,000 की गुड्स क्रेडिट पे खरीदे थे, क्या लिखा मैंने, सारी नहीं कर रहे सपोज, सिर्फ 10,000 की पेमेंट कर रहे, तो जो क्रेडिट पे चीजें खरीदी थी उसके अगेंस्ट अब पेमेंट करने लगे, क्या गुड्स बढ़े, गुड्स तो बढ़ चुकी हैं, अब क्या होगा, पहले अपने जेन जरा सेट कर लेगा, पेमेंट ऑफ गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट इन कैश, जी सर क्या जीन कहता है, ये बिल्कुल ठीक है बेटा, लेकिन एक सेकंड मेरा बोर्ड पे देखें, मेरे सीक्वेंस में जरा चला, 488,000 के एसेट्स है, क्या उन एसेट्स में कोई चेंज, इस चीज का कितने से, इसमें से कैश कम हो जाएगा बाय रुपीज 10,000, कैश वाला एसेट कम हो जाएगा, कैश देने से लाइबिलिटी वापस करने से अदा करने से हमारा 10,000 रुपीज से कैश रिड्यूस हो जाएगा, क्लियर हो गए, लाइब्रेरीज में
एनुअल लाइब्रेरी सी प्लस ट्रांजेक्शन से पहले हमारे 5000 की लाइब्रेरीज है, एनी चेंज इन दैट प्लस या माइनस लाइब्रेरीज में भी 10,000 की क्रेडिटर वाली लाइब्रेरी कम हो जाएगी। कितनी थी कितनी वैसे वो अभी भी, लेकिन रिमेनिंग बचेगी क्या, कितनी बच जाएगी लेकिन माइनस कितनी होगी, अंडरस्टैंड करें प्लीज। एनी चेंज ऑन कैपिटल इन बाय दिस ट्रांजेक्शन, कैपिटल कब कब चेंज होता है, आराम से तसल्ली से चार्ज से पूरी करें। देखिए सॉल्व करें फाइनल फाइनल आंसर से पहले कितने कितने रहेंगे, इन अमाउंट से पढ़े ये मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ, समझ आ रहा है, कैश और क्रेडिटर वहां पर लिखे क्या नहीं करा, इधर से क्या निकला उधर से क्या कम हुआ ये लिखे प्लीज। लाइब्रेरीज में से क्रेडिटर की लाइब्रेरी रिड्यूस हुई और एसेट्स में से कैश कम हो गया, तो फाइनली अगर सॉल्व किया जाए तो 4,78,000 के एसेट्स आ गए। ओके सर, 1,75,000 की लाइब्रेरीज रिमेनिंग रह गए और अल्हम्दुलिल्लाह जो अभी भी बैलेंस करेंगे तो टोटल एसेट्स माइनस करके देखिए प्लीज यार, ये एनी कंफ्यूज फाइल एक ट्रांजेक्शन में साथ ही हो एक या दो नहीं, मैं अपने आप से पूछा चलो फिलहाल ले लीजिए लेट्स अज्यूम के आखिरी, अगर आपने एंजॉय किया फिर देखता हूँ तो शायद एक और ये चेक कर लेते ना, देखो पूछो आपसे ये अंडरस्टूड है चला इसे एंजॉय नहीं करेंगे नहीं, मतलब देखा विदाउट एनी बायस से चेक कर लेते ट्रांजेक्शन देख लेते हैं, फिर मुझे पूरी उम्मीद है कि विदाउट एनी बायस आप मुझे फाइनल ओपिनियन बता देंगे कि एंजॉय किया है या नहीं, तो लिख के देते जी सर। ओनर टुक रुपीस, सीरियस सर, ओनर टुक रुपीस पोस्ट 2000 कैश फ्रॉम बिजनेस for his personal use, ये कुछ ज़हन में आते हैं वर्ड्स, भी कहीं ना कहीं भी लिख कर देखना, बिल्कुल खामोशी। इसको अगर आप इस ट्रांजेक्शन को जरा खुद से एक्सप्लेन करके देखें कहाँ चेंज आएगा, तो आपने आराम कर लेना आराम से खामोशी से करने को करना, बिल्कुल खामोशी कंप्लीट साइलेंस, ये ठीक है मैडम सही कह रहे हैं, लेकिन इसको कैसे लिखें पहले खुद से लिखा करो, ट्राई करें कुछ नहीं होगा। ये जस्ट एक मिनट जस्ट सब लोग अपनी ट्राई कंप्लीट कर, जी जो समझ आया लिखो समझ, चले बोर्ड पे देखें देखें चेक करें मैं सही लिख रहा हूँ। 4,78,000 के एसेट्स में से 2,000 का कैश कम हो जाएगा, डन है सर। 1,75,000 की लाइबिलिटीज में से 2,000 की लाइबिलिटी कम हो जाएगी, जाएगा एज इट इज रहेगा, कोई चेंज नहीं है, फिर चेंज कहाँ है,
सब पता चल गया था ये ड्राइंग है, ड्राइंग से कहते हैं पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसे लेते हैं, तो ड्राइंग्स के होने से कहाँ चेंज आएगा, कैपिटल में क्या चेंज आएगा, प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा, कितना कैपिटल था कितना उसमें से लेस हो जाएगा, क्या चीज लेस हो जाएगी, ये प्लीज स्पेसिफाई करना आप लोगों ने, ड्राइंग्स कैश प्लीज स्पेसिफाई करना है कि नहीं किया मैंने। तो फाइनली हमारे एसेट्स रह जाएंगे 4,76,000, लाइब्रेटीज 1,75,000 एंड फाइनली कैपिटल का रिमेनिंग बैलेंस रह जाएगा 3,01,000। चेक करें कैंडी इक्वेशन मैच है, लेकिन 3,01,000 कैपिटल टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइब्रेटीज अल्हम्दुलिल्लाह इज इक्वल टू कैपिटल। एनी कंफ्यूजन इन दिस ट्रांजेक्शन? ओके सर, लास्ट सर, ज्ञान स्टूडेंट्स अच्छा बेटा, अभी घर के लिए इसलिए कोई काम नहीं है क्योंकि शायद चीजें अभी हम सीखने की पोजीशन में, तो इन दिनों को लेकिन आप बेस का किया करें, तकरीबन अगर हमने पढ़ा है 1.5 आवर्स से ज्यादा ही पढ़ा ना, इसे कम से कम 15-20 मिनट तो घर में इंडिविजुअली रिवाइज करना पड़ता है। इतना इसे शुरू में सीरियस लेंगे और कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे उतना ही बाद में आसानी रहेगी, ठीक है? तो प्लीज 15-20 मिनट कम से कम आधा घंटा कोशिश करें रिवाइज करके। अल्लाह